नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। विश्व सनातन संघ जिला सरायकेला खरसावा के द्वारा बजरंगबली मंदिर में विश्व सनातन संघ झारखंड प्रदेश के धर्माचार्य के रूप में पुरुषोत्तम शास्त्री को मनोनीत किया गया। विश्व सनातन संघ जिला सरायकेला खरसावा के द्वारा RIT मंडल अंतर्गत बाबा आश्रम पंचमुखी बजरंगबली मंदिर में विश्व सनातन संघ के राष्ट्रीय संरक्षक और BJP के पूर्व विधायक प्रत्याशी गणेश महाली के द्वारा विश्व सनातन संघ झारखंड प्रदेश के धर्माचार्य के रूप में पुरुषोत्तम शास्त्री को मनोनीत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। मैं दीपांकर कुमार मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो HBN न्यूज। आज विश्व सनातन संघ के द्वारा सरायकेला खरसावा जिला में विश्व सनातन संघ के द्वारा मीटिंग किया गया, जिसमें कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी श्री मान गणेश महाली जी के द्वारा मीटिंग लिया गया। आइए हम कुछ जानते हैं उनसे इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए इस मीटिंग को लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गणेश महाली जी। क्या पद पे हैं आप? राष्ट्रीय संरक्षक के पद में हैं जी। विश्व सनातन संघ राष्ट्र के सभी हमारे इस जिला के मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ चौकी हनुमान मंदिर का जो महाआरती हम लोग किए, महाआरती के बाद यहाँ बैठक की, बैठक के दरमियान हम लोग का कुछ संगठन का विस्तार करने के लिए कुछ मंडल में मंडल शाखा के प्रभारियों की नियुक्ति हुआ है। सभी का जो हम लोग माला पहना के उनका स्वागत किए और विश्व सनातन संघ के द्वारा हिंदू समाज के रक्षा के लिए, गौ माता के रक्षा के लिए हम लोग एक अभियान चलाएंगे कि आज के दिनों में जिस तरह सड़कों में गौ माता रोड में सोया हुआ है या गौ माता का हत्या हो रहा है, तो उसको प्रतिबंध कराने के लिए। जी, सबको नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे विश्व सनातन संघ राष्ट्रीय द्वारा आदिपुर टू बाबा आश्रम में बैठक किया गया और उसमें विभिन्न प्रकार का सनातन धर्म भाइयों का मतलब महत्वपूर्ण वचन और वचनबद्ध तरीके से रखा गया है और इस तरह से लौ जिहाद धर्मांतरण किस तरह से रोका जाए, इस पर हमारे विश्व सनातन संघ के कार्यकर्ता किस तरह से ये लौ जिहाद को प्रतिबंधित किया जाए, धर्मांतरण का रूप लगाया जाए, किस तरह से कार्यकर्ता इस पर कार्य करेंगे और किस तरह से पूरे प्रदेश में किस तरह से प्रतिबंधित हो और गौ हत्या बंद हो, इस तरह पर कार्य हमारे विश्व सनातन संघ का कार्यकर्ता रखेंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।